और वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से भी खबर तक ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर जानकारी दी है। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, कल विधानसभा सत्र में प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चयन की भी प्रक्रिया होगी, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। विस्तार से ये भी आपको बातचीत सुनवाते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत की। विधायक दल की बैठक और कल के सेशन पर खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा साहब इस वक्त खबरें अब तक पर एक्सक्लूसिव है। सर, सबसे पहले जो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ आज विषय रहने वाला है? सर देखिए, ये पहली विधायक दल की मीटिंग होगी, आम जनरल चर्चा होने की संभावना है। ठीक है, अभी एजेंडा तो मुझे भी नहीं मालूम है, मगर ये क्योंकि कल प्रोटेम स्पीकर के जरिए सब विधायकों को औथ दिलाने का काम है, फिर उसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया होती है, चाहे स्पीकर का चुनाव हो चाहे डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो, उसकी जो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी वो जब बढ़नी है तब बढ़ेगी। कल की प्रक्रिया तो आपने बता दी, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी है, भविष्य में भी कहीं ना कहीं क्योंकि जो विधानसभा सुचारू तौर पर चले उसमें संसदीय कार्य मंत्री का एक बड़ा रोल रहता है। जो संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी आपको दी गई है, विधानसभा सुचारू तौर पर चले, पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी पूरा मौका मिले, उसमें भी कहीं ना कहीं एक संसदीय कार्य मंत्री के नाते आपके कंधों पर भी एक जिम्मेदारी रहने वाली है। देखिए, मेरे जिम्मे जो भी काम होगा मैं उसको अभी, क्योंकि मैं नया मंत्री बना हूँ, अभी मुझे भी उसकी जो जो चीज़ें मुझे भी समझनी है, और समझ कर बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के हम लोग अपने विधानसभा को अच्छे से चलाएंगे। पहले भी आज तक का इतिहास के बीजेपी के जितने भी दोस्त भी कर रहे, चाहे कौरपाल जी रहे चाहे ज्ञान सिंह गुप्ता जी रहे, कोई शिकायत नहीं कर सकता। जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट में स्पीकर्स ने विधानसभा को चलाया है, ऑफ द रिकॉर्ड सब लोग बोलते कि देखिए बिना किसी भेदभाव के ये लोग काम करते रहे, पूरा मौका मिलना, पूरा टाइम मिलना, और सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही विधानसभा में अगली सब कार्रवाई होती रही है। हम लोग चाहेंगे कि इस बार भी इसी तरह से हमारी विधानसभा और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे चल सकती है, इसको फोकस करके हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाएं।